हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता इज़ गुड लाइफ। और मैं हूँ स्मिता। तो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ओल्ड शू रैक टू अ वेरी न्यू मॉडर्न लुकिंग शू रैक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यही वो शू रैक है जिसे कि मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी। आप देख सकते हैं इसके नॉब्स वगैरह सारे टूटे हुए हैं और घर पे सब लोगों ने कहा कि इसे हटा दो, बट मैंने बोला कि नहीं, मैं इसे एक अच्छा लुक दूंगी। और फिर उसके लिए बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वॉलपेपर, सीज़र एंड अ पीस ऑफ क्लॉथ जो कि मुझे चाहिए इसे स्टिक करने में, ताकि इससे बबल्स ना निकले। तो मैं पहले, आप चाहे तो किसी भी तरह से इसे कट कर सकती हैं, आप मेजर करके कट करके पहले से भी रख सकते हैं, और या फिर जैसे जैसे आपको यूज़ करेंगे ज़रूरत होगी वैसे वैसे आप मेजर करके कट कर ले सकते हैं। तो मैंने उसका एंड निकाल दिया और फिर मैं ऐसे लगा रही हूँ उसे वन बाई वन। एंड सॉरी, आई हैव नॉट, आई मीन इट्स नॉट एम्प्टी, शू रैक इज़ नॉट एम्प्टी, मैंने उसे खाली नहीं किया है, बट हाँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मेरी जो हाउस हेल्प है मैंने उसे बोला था कि वो बाद में कर लेगी, मैं पहले इसे बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर नहीं उसे करना था, जो भी करना था बाहर से करना था। एंड सी, आई एम यूजिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ उसे ठीक करने के लिए, ताकि उसमें बबल्स ना रह जाए। और वैसे कपड़े से उसको नीचे ऐसे करने से ना, वो उसमें बबल्स नहीं रहते हैं और वह अच्छे से स्टिक होते हैं। सिमिलरली वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस, और इसी तरीके से हम उसके दूसरे वाले डोर में भी लगा लेंगे। और फिर आता है उसका साइज़, तो वी हैव टू फर्स्ट मेजर इट और उसी हिसाब से प्रोसेस को रिपीट करते हुए और हम उसके सेकंड वाले डोर पे लगा रहे हैं। Now we are cutting the wallpaper for the sides. और फिर पहले measure कर लिया sides का, measurement ले लिया, and now we are sticking it. Again the same process, corner का वो निकाल के और उसे इस तरह से लगाएंगे। And थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी attention की ज़रूरत है, but हाँ, जो इसका outcome आता है that is very beautiful. और बस ऐसे ही उसे कपड़े से नीचे की तरफ से उसे करते जाइए और ये बिल्कुल बबल फ्री और एकदम नीट एंड क्लीन ये लगेगा। एंड नाउ द साइड, वन ऑफ द साइड इज ऑल्सो डन। एंड नाउ इट्स टाइम टू कवर द टॉप। तो पहले टॉप का जो आगे वाला पोर्शन था, पहले उसे कवर करेंगे, और उसे कवर करने के बाद उसके बाद ऊपर से वो स्टिक करेंगे, ताकि उसका जो जॉइंट आएगा वहाँ पे वो हाइड हो जाएगा।
अब टॉप वाले पोर्शन के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। उसके एंड को हमने वॉलपेपर के एंड को नीचे से पहले उसे स्टिक कर दिया है अंदर की तरफ, ताकि ऊपर कुछ भी ना दिखे एंड इट लुक्स वेरी क्लीन। और फिर उसी प्रोसेस से द टॉप हैज़ बिन ऑल्सो डन। एंड ये तो बिल्कुल न्यू लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है, इट इज़ वर्थ डूइंग और मुझे किसी को ये दे देना चाहिए था। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। सिर्फ 500 वी हैव यूज्ड, ओनली 500। मैं लिंक दे दूँगी जो वॉलपेपर मैंने मंगवाया है मीशो से, मैं उसका लिंक डाल दूँगी। एंड दिस इज़ द नॉब विच आई हैव ऑर्डर्ड अगेन फ्रॉम मीशो, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है। एंड द नॉब्स आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल सिरेमिक नॉब्स है। एंड दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 समथिंग का है, आई डोंट रिमेंबर द, ये मैं आगे लगा दूँगी जब मैं इसे एडिट करूँगी तो मैं इसका प्राइस लगा दूँगी और लिंक भी शेयर कर दूँगी। और ये पहले मैंने उसका नॉब निकाल लिया था जो टूटा हुआ था, एंड नाउ आई एम जस्ट पुटिंग द न्यू वंस, द सिरेमिक वंस, एंड फिर इसका मैं आपको फाइनल आउटलुक दिखाऊँगी। Isn't it looking amazing? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच बोलूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे सच में white furnitures बहुत fascinate करते हैं, and I am just loving this. And this is part one of my living room makeover. मैं living room makeover पूरा करके आपका उसका final tour दूँगी, but this is the final, just see the before look of this shoe rack. And this is the after look. अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। प्लीज़ 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 आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। सो गाइज, दोज़ हू हैव विजिटेड माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और फिर मैं इसी तरह के अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।